हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी मसाला ओट्स जो हम मार्केट में ख़रीदते हैं उसे आप आसानी से और उससे भी बेहतर कैसे घर पर आप बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आज के जो मसाला ओट्स का फ्लेवर है ये शेजवान मसाला ओट्स है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप रेगुलर ओट्स ले लिया है, मेजरिंग कप यूज़ किया है मैंने। इसे हल्का सा भून लूँगी, भूनने से ओट्स का फ्लेवर बेहतर आता है। अब मैं इसी कढ़ाई में डाल लूँगी करीब 2 से 3 बड़े चम्मच जैतून का तेल, और तेल गर्म हो जाए इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप स्पाइसी अगर नहीं पसंद करते हैं तो हरी मिर्च आप इसमें ना डालें। फिर 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, आप इसे दरदरा पीस कर डाल लें, और 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब इनको करीब 30 से 40 सेकंड के लिए भून लें ताकि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को भी हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेना है। आपने देखा होगा कि जो रेडीमेड मसाला ओट्स मार्केट में मिलता है उसमें सब्ज़ियाँ कितनी बारीक कटी हुई हैं, तो मैंने भी यहाँ पर उसी तरह की कोशिश की है सब्ज़ियों को एकदम बारीक काटने की। प्याज थोड़ा सा भून जाए इसके बाद में मैं थोड़ी सी सब्ज़ियाँ डालूंगी, जैसे कि 1 छोटा बोल बारीक कटा हुआ गाजर, 1 छोटा बोल बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, 1 छोटा बोल यहाँ पर मैंने हरी मटर ली हुई है, फिर 1 छोटा बोल मैंने बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ले लिया है, इसे भी मैं डाल दूंगी। इन सब्ज़ियों को मीडियम हीट पर करीब 2 मिनट के लिए भून लें। आँच को मैंने मीडियम हीट पर ही रखा हुआ है। अब इसमें मैं डाल दूंगी शेजवान चटनी, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो शेजवान सॉस या शेजवान चटनी उसे आप डाल दें करीब 2 से 2.5 बड़े चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें मैं डाल दूंगी करीब 1.5 बड़ा चम्मच सोया सॉस, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी भुना हुआ ओट्स, इसे अच्छे से मिक्स कर ले सब्ज़ियों के साथ। फिर करीब 7 से 8 कप पानी इसमें डाल दें, यानी कि मैंने 2 कप ओट्स लिया है तो करीब 3 गुना पानी इसमें डाल दें। ओट्स पकने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाता है तो इसीलिए इसमें 3 गुना पानी इसमें डालें। अच्छे से मिक्स करके करीब 5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दें। आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं। 5 मिनट बाद मसाला ओट्स बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। ये देखिए मसाला ओट्स धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस, तो इसके मिठास से इसका फ्लेवर जो है एकदम बैलेंस हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और फिर 1 बड़ा चम्मच विनेगर इसमें डाल दें। तो यहाँ पर मैंने अब सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, इसे पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर मसाला ओट्स बनकर हमारा तैयार हो गया है। आखिर में इसमें मैं नमक डाल दूंगी। नमक ध्यान से डालें क्योंकि सॉसेज में काफ़ी नमक होता है, तो हिसाब से आप इसमें नमक डालें, और आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे गार्निश कर लें और इसे गर्मा गर्म परोसें। ओट्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और सब्जियों में विटामिन, तो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर ये मसाला ओट्स आप नाश्ते में परोसें। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो 1 बोल इस तरह का मसाला ओट्स बनाकर आप लाइट डिनर इसका कर सकते हैं। 1 धनिया पत्ता से मैंने गार्निश कर लिया है। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।